मुंबई से बड़ी खबर है। मुंबई में बीएमसी की पाइपलाइन फटी, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सड़क, पेड़ और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। 8 मंजिला इमारत की ऊंचाई तक पानी। मुंबई के लोखंडवाला में पाइपलाइन फटने की जानकारी सामने आ रही है। ये देखिए आप, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त ये वहां पर पाइपलाइन फटी पानी की, उस वक्त की तस्वीरें हैं। और 8 मंजिला इमारत की ऊंचाई तक ये पानी पहुंचा है। सड़क टूटने से पानी की पाइपलाइन फटी है, ये जानकारी सामने आ रही है। और फिलहाल पाइपलाइन को बंद किया गया है, ये कहा जा रहा है। सड़क टूटी, पानी की पाइपलाइन फटी और उसके बाद का ये मंजर आप देखें। लोखंडवाला की ये तस्वीर है जहां पर इस हादसे के बाद, इस घटना के बाद सड़क, पेड़ और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, ये जानकारी सामने। और साथ ही खबर ये कि 8 मंजिला इमारत को भी नुकसान हुआ है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहले सड़क टूटी, उसके बाद किस तरीके से पानी की पाइपलाइन फटी और पानी किस तरीके से फव्वारे की तरह बाहर आ रहा है वो आप देखिए। कई फीट तक पानी जा पहुंचा, कहा यह जा रहा है कि 8 मंजिला इमारत की ऊंचाई तक पानी पहुंचा है। 3 तस्वीर, नुकसान हुआ है, आसपास पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और इसी पर राजेश त्रिपाठी मुंबई से मेरे सहयोगी जुट चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजेश, कैसे ये हुआ सब और इस वक्त क्या अपडेट है? कहा ये जा रहा है कि सड़क टूटी हुई थी जिसके बाद पाइपलाइन फटी और उसके बाद ये मंजर सामने आ गया, कितना नुकसान हुआ है? जी, मैं आपको बताऊं कि ये कल दोपहर 3 बजे की घटना है और ये लोखंडवाला की जो सड़क है काफी पॉश इलाका माना जाता है। सिल्वर सैंड नामक ये बिल्डिंग है और उसके पास अचानक जो है सड़क टूटी और वहां से पानी का फव्वारा निकलने लगा। पूरे आसपास इलाके में जो है दहशत का माहौल फैल गया था। जो यहां पर ये बिल्डिंग मेरे पीछे दिख रही है, यहां पर करीब 8 मंजिला ये इमारत है और 8 मंजिला इमारत के ऊपर तक ये पानी का फव्वारा जा रहा था। जो सड़क टूटी थी उससे पत्थर, कंकड़ पत्थर इतने ज्यादा जो है फोर्स में निकल रहे थे कि यहाँ पर 3-4 जो नारियल के पेड़ थे जो है उसे तोड़ दिया गया। वहां पर जो गाड़ियां खड़ी थी उसके शीशे टूट गए। ये बहुत ही खतरनाक हादसा था। यहाँ पर लोगों से हमने जब बात किया तो उन्होंने बताया कि दोपहर का वक्त था। संयोग की बात ये थी कि ट्रैफिक ज्यादा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। अगर ट्रैफिक होता और यहाँ पर गाड़ियां खड़ी होती तो फिर क्या मंजर होता, ये बहुत खतरनाक तस्वीर होती। लेकिन गनीमत की बात यह रही कि किसी भी जान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो यहाँ पर ये बिल्डिंग मैं दिखा रहा हूँ, ये सिल्वर सैंड नामक ये बिल्डिंग, यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी। यहाँ पर जो एक ये सामने जो है शांति वरना एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है, बहुत व्यस्तम ये रास्ता के। ये जानकारी राजेश आप दे रहे हैं, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।